प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से पहला राजाओं अध्याय 17 का 1-7 वचन लेकर आई हूँ, एलिया नबी और अकाल की परिस्थिति। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है कि यह उस समय की बात है जब इज़राइल का राजा अहाब था और उसकी रानी उस समय इजबेल थी। और बाइबल यह भी स्पष्ट करती है कि उस समय में इज़राइल में एलिया नामक एक भविष्यवक्ता रहता था जो परमेश्वर यहोवा का एक धर्मी पुरुष था और वह परमेश्वर से सुनकर भविष्यवाणी किया करता था। एलिया भविष्यवक्ता के विषय ऑलरेडी हमारे चैनल पर एक और वीडियो अपलोडेड है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एलिया के विषय विस्तार से जानने के लिए आप हमारी उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आज हम यहाँ उसी के एक अलग विषय की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि एलिया एक भविष्यवक्ता था जो परमेश्वर से सुनकर इसराइल में भविष्यवाणियां किया करता था। उस समय में भी यही हुआ। एलिया नबे ने उस समय में राजा अहाब से परमेश्वर से भविष्यवाणी पाकर कहा कि इसराइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओसी पड़ेगी। इस तरह की भविष्यवाणी एलिया ने यहोवा परमेश्वर से प्राप्त कर अहाब राजा को बता दी। यहाँ एक बात और ध्यान दें कि राजा अहाब और रानी इजबेल सदा यहोवा के विरुद्ध में ही काम किया करते थे। वह सब कुछ करते थे जो कि परमेश्वर की दृष्टि में अपराध था। वे एक मूर्ति पूजक थे, वे खुद भी मूर्ति पूजा किया करते थे और वहां रहने वाले सभी लोगों को भी ऐसा ही करने की आज्ञा देते थे। और राजा की ऐसी आज्ञा को प्राप्त कर वहां के रहने वाले सभी इसराइली उसी मूर्ति को दंडवत करने लगे। अर्थात उस समय में अहाब राजा ने यहोवा के विरुद्ध मूर्ति उपासना किया भी और करवाया भी। वे सभी लोग अपनी खुशहाली के लिए, अपनी भूमि की उपज के लिए अपने बाल देवता अर्थात उस मूर्ति की ही उपासना करने लग पड़े, जिससे कि वहां मेह बरसे और खुशहाली की फसल उन्हें मिले। अर्थात उनका भरोसा उस घड़ी परमेश्वर नहीं परंतु वह मूर्ति बन गई थी। परंतु वह नहीं जानते थे कि वह झूठी उपासना कर रहे थे, क्योंकि वह नहीं समझ पा रहे थे कि आकाश से मेह बरसाने वाला और भूमि में उपज पैदा करने वाला केवल एकमात्र ही यहोवा परमेश्वर है, उसे छोड़ कोई और नहीं। और ऐसी ही अज्ञानता से भरकर वे बाल देवता की मूर्ति की उपासना करते रहते थे, जिसका दंड फिर उन्हें भुगतना भी पड़ा। तब उसी समय में एलिया नबी ही था जो उस मूर्ति को दंडवत नहीं करता था और वह परमेश्वर पर विश्वास रखता था। तब परमेश्वर ने एक दिन एलिया नबी से दर्शन में कहा कि इस देश के लोग उस बाल देवता से मेह बरसाने की प्रार्थना कर रहे हैं। वे सब मुझे भूल गए हैं कि मैं ही मेह बरसाने वाला और भोजन खिलाने वाला परमेश्वर हूँ। और परमेश्वर ने एलिया पर यह भी प्रकट किया कि अब जब तक इस जाति के समस्त लोग फिर से मुझे स्मरण नहीं करते, मैं इस देश में मेह नहीं बरसाऊंगा, अर्थात इस देश में अब अकाल पड़ने वाला है। तब इसी संदेश को यहोवा से प्राप्त कर एलिया ने अहाब राजा को बताया। तब एलिया ने राजा अहाब को यह सब बताया कि इस देश में अकाल पड़ने वाला है। और एलिया ने निडर होकर अहाब राजा को अकाल के विषय बताया और एलिया ने राजा पर यह भी प्रकट किया कि तुमने जो बाल देवता को अपना परमेश्वर बना लिया है और तुम उसी पर विश्वास रखते हो, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और उसने राजा को यह भी कह दिया कि जब तक यहाँ के समस्त निवासी परमेश्वर पर फिर से ईमान नहीं ले आते कि वही एकमात्र परमेश्वर है जो आकाश से पानी बरसाता है और भूमि पर अन्न भी उपजाता है, तब तक यहाँ अकाल पड़ेगा। ऐसा एलिया ने अहाब राजा से सब कुछ कह दिया। तब उसके बाद उस देश में एक बड़ा अकाल पड़ने लगा। तब जब उस अकाल के समय में फिर से एलिया नबी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा, तब यहोवा परमेश्वर ने फिर से एलिया से दर्शन में बात की और उससे कहा कि तुम यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जाओ
और करित नामक नाले से जो यर्दन के पूरब में है छिप जाओ और उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कोवों को आज्ञा दी है कि वह तुझे खिलाए। हालेलुया। क्या अद्भुत वायदा हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर की ओर से, कि परमेश्वर ने कहा कि मैंने कोवों को आज्ञा दी है कि वह तुझे खिलाए। ऐसा अद्भुत करने वाला है हमारा परमेश्वर। पक्षियों से भी वह हमारे लिए प्रबंध करवाने वाला परमेश्वर है। जो आंखों ने कभी ना देखा हो और कानों ने कभी ना सुना हो, ऐसा आश्चर्य कर्म केवल परमेश्वर के द्वारा ही संभव है। तब परमेश्वर की यह आज्ञा पाकर एलिया पूरब में करित नामक नाले के पास जाकर छिप गया, और फिर सुबह शाम को वे वहां उसे रोटी और मांस दिया करते थे, और वह वहां नाले का पानी पिया करता था। और फिर कुछ दिनों के बाद इसराइल के उस देश में वर्षा ना होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। अब हम इस कहानी के आधार पर ही कुछ गहरी बातों को सीखेंगे व समझेंगे। मेरे प्रियो, जब इसराइल के राजा अहाब और वहां के रहने वालों ने परमेश्वर को छोड़कर किसी अन्य मूर्ति को अपना ईश्वर बना लिया और अपनी खुशहाली व जीविका की उपज के लिए उससे ही प्रार्थना की, उसकी ही उपासना की, तो उन्हें क्या मिला? कुछ नहीं, केवल यहोवा के विरुद्ध किए गए अपराध का दंड उन्हें मिला अकाल के रूप में, क्योंकि वह भूल गए थे कि उन्हें बनाने वाला, समस्त पृथ्वी को रचने वाला, आकाश से मेह बरसाने वाला और भूमि से अन्न उपजाने वाला केवल एक ही परमेश्वर है, जो उन्हें मिस्र की गुलामी से भी छुड़ा कर लाया था। वे यह सब कुछ भूल गए थे और परमेश्वर को छोड़ झूठी उपासना में लग पड़े थे, जिसके कारण उन पर दंड भी आया। मेरे प्रियो, आज भी समस्त मानव जाति यही कर रही है, अपने सृष्टिकर्ता को छोड़ झूठी उपासना में लगी पड़ी है, और बहुत संदेश प्राप्त करने के बाद, सच्चाई को जानने के बाद भी बहुत से मन नहीं फिराते, उसी झूठी उपासना और कट्टरता के गुलाम बने रहते हैं अपनी कठोरता के साथ, जिसके कारण फिर उन्हें विनाश का, महामारियों का, विपत्तियों का, लॉकडाउन और अकाल जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जैसे एलिया के बताने व चिताने के बाद थी राजा ने और वहां के रहने वाले निवासियों ने मन नहीं फिराया तथा उसी झूठी मूर्ति पर अपना विश्वास रखा, परंतु कुछ नहीं पाया सिवाय अकाल के। परंतु दूसरी बात जो हम यहाँ देखते व सीखते हैं वह है एलिया का सच्चा परमेश्वर पर विश्वास होना। उसकी ऐसी सच्ची आराधना के कारण, उसके सच्चे परमेश्वर के प्रति विश्वास के कारण वह अकाल में भी तृप्त रहा। मेरे प्रियो, यही परमेश्वर आज हमें फिर से स्मरण कराते हैं कि चाहे लाख महामारियां आ जाएं, चाहे लाख विपत्तियां आ जाएं, चाहे चारों ओर लॉकडाउन और अकाल की सी सिचुएशंस हो, उस घड़ी भी सच्चे परमेश्वर पर विश्वास रखने वालों की और सच्ची आराधना करने वालों को, एकमात्र जीवित परमेश्वर पर विश्वास रखने वालों को परमेश्वर अकाल में भी खिलाता है, क्योंकि उसका वायदा है अपने लोगों से कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा, मैं ही जंगल में मार्ग निकालने वाला और सूखी भूमि पर मेह बरसाने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। जैसा कि हम एलिया के जीवन में भी देख पा रहे हैं कि इसराइल के उस मूर्ति पूजक राजा की अधीनता में रहते हुए भी एलिया ने कभी उस झूठी मूर्ति की उपासना नहीं की, ना ही उसने उस मूर्ति पर विश्वास किया और ना ही उसने उस राजा की यह गलत आज्ञा ही मानी कि सब उस मूर्ति की उपासना करें। तो उसके परिणाम स्वरूप हम देख भी सकते हैं कि जब उस पूरे देश में अकाल पड़ा, तब वह अकाल एलिया नबी के लिए नहीं था, ना ही उस अकाल का कोई भी दुष्परिणाम एलिया पर पड़ा। उस घड़ी भी परमेश्वर ने एलिया को पानी और भोजन की कमी न आने दी, वरन आकाश के पक्षियों को आज्ञा दे दी कि वह परमेश्वर के धर्मी जन को भोजन खिलाए, और कोवे जो मांस को कभी छोड़ते ही नहीं, उन्होंने अपने सृजनहार की आज्ञा पाकर मांस और रोटी अपनी चोंच में दबाकर एलिया तक पहुंचाई। हालेलुया। कभी कभी हम देखते हैं कि मनुष्य जो परमेश्वर की समानता व स्वरूप में रचा गया है, वह अपने बनाने वाले को भूल जाता है, परंतु पक्षी उसे कभी नहीं भूलते। मेरे प्रियो, यहाँ ध्यान दें एक विशेष बात जो परमेश्वर आज हमसे कहते हैं कि चाहे कितनी भी अकाल और महामारियां आ जाएं, यदि आपका भरोसा अपने जीवित परमेश्वर पर है और आप एक धर्मी पुरुष हैं, तो परमेश्वर आपको हर विपत्ति व अकाल में भी खिलाएगा
और आपके लिए उत्तम प्रबंध भी करेगा। आपके जीवन में कभी भी किसी भली वस्तु की कमी नहीं आएगी, क्योंकि वचन भी कहता है कि यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की कमी ना होगी। तो हमें किसी भी अकाल या महामारियों जैसी परिस्थितियों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि हमारा भरोसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तो वह हमें आकाश के पक्षियों के द्वारा भी खिलाने के योग्य है। हालेलुया। होंगी यह विपत्तियां व अकाल की परिस्थितियां उनके लिए जिनका भरोसा परमेश्वर नहीं वरन अन्य साधन है, जैसे पैसा, मूर्ति या कोई मनुष्य। परंतु एक धर्मी जन का भरोसा सदा अपने जीवित परमेश्वर पर ही होना चाहिए, ना कि किसी अन्य साधनों पर। तो ही परमेश्वर उन्हें अकाल किसी परिस्थितियों में भी खिलाएगा, यह उसका वायदा है। मेरे प्रियो, समस्त पृथ्वी पर विपत्तियां आएंगी, अकाल आएंगे, महामारियां आएंगी, परंतु सदा स्मरण रखें कि लिखा है कि धर्मी पर विपत्ति पड़ेगी तो भी यहोवा उसे संभाल लेगा। जैसे समस्त इज़राइल पर अकाल पड़ने पर भी परमेश्वर ने एलिया को खिलाया भी और पिलाया भी, तो हमें भी एलिया की ही तरह सदा हर परिस्थिति में परमेश्वर पर विश्वास रखना है और हर परिस्थिति में भी केवल यहोवा को ही दंडवत करना है, क्योंकि उसे छोड़ कोई ईश्वर है ही नहीं। और जो परमेश्वर के विरुद्ध अपराध कर किसी अन्य को ईश्वर करके पूछते हैं, वह खुद ही इसका दंड पाते हैं। तो हमें सदा हर परिस्थिति में विश्वास में अड़े और खड़े रहना है। वही हमें अकाल में भी खिलाने के योग्य एकमात्र परमेश्वर है। मेरे प्रियो, स्मरण रखें कि यदि आप प्रार्थना करने वाले व जीवित परमेश्वर पर सच्चा विश्वास रखने वाले एक धर्मी जन हैं, तो ये वायदा है आपसे परमेश्वर का कि वह अकाल जैसी, लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों में भी आपके लिए उत्तम प्रबंध रखेगा। आपको चिंता करने की या डरने की कोई आवश्यकता नहीं। बस आप अपनी धार्मिकता में बने रहें, खड़े रहें और सदा उस जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखें और किसी अन्य साधनों को अपना ईश्वर ना बनाएं, जैसे एलिया नबी भी उस समय निरंतर परमेश्वर में बना रहा, जबकि उसके आसपास का माहौल एक मूर्ति पूजा का माहौल था। फिर भी उसने किसी मूर्ति को दंडवत नहीं किया, केवल सच्चे परमेश्वर में ही अपनी आस्था को रखा। तो हमें भी हर परिस्थिति में, हर विपत्तियों में केवल यहोवा पर ही भरोसा करना चाहिए। जो उस समय में एलिया नबी को कौवों से खिलाने के योग्य था, वह आज भी हमें हर परिस्थिति में उत्तम प्रबंध के साथ खिलाने व पिलाने के योग्य है। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हें सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।